आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण से पार्ट 3 है शब्द विचार। इसके पहले हम भाषा, लिपि, बोली, व्याकरण आदि के बारे में पढ़े, वर्ण, वर्णमाला, वर्ण विचार में पढ़े हम, और स्वर व्यंजन उनके बारे में जाने। आज हम शब्द विचार पढ़ेंगे। शब्द क्या है? शब्द क्या है? जैसा कि आपके बुक में दिया हुआ है कि दो बच्चों को बातचीत करते हुए दिखाया गया है, संसार में हर एक व्यक्ति अपनी बातों को क्या करता है, लिखकर या बोलकर व्यक्त करता है। ये अभिव्यक्ति जो है इसके माध्यम से करता है, भाषा के माध्यम से ही तो करता है। प्रत्येक भाषा शब्दों का भंडार होती है, जितनी भी भाषा है प्रत्येक भाषा शब्दों का भंडार होती है। और ये शब्द कैसे बने होते हैं? ये शब्द वर्णों के मेल से बने होते हैं, उन्हें ही हम शब्द कहते हैं। शब्द की परिभाषा क्या है? शब्द एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। एक या एक से अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि शब्द कहलाती है। जैसे एक वर्ण से निर्मित शब्द है न और व, न कोश में लिखी हूं मैं नहीं, और व का और, न और व भी क्या है, इसे भी हम शब्द ही मानेंगे। और किसी को हमें नहीं बोलना है और नहीं की जगह पर हम ना भी बोल देंगे तो समझ जाएगा कि आप नहीं बोल रहे हैं। तो नहीं और वो अभी क्या है, ये भी एक शब्द है। अनेक वर्णों से निर्मित शब्द, कलम, पुस्तक, नयन, कुर्सी, पक्षी, घर आदि, ये जितने भी शब्द हैं ये एक वर्ण से नहीं बने हैं, इनमें अनेक वर्ण है। अब कलम ही ले लीजिए, इसमें 3 वर्ण मिले हुए हैं। इसी प्रकार जितने भी शब्द हैं सब अनेक वर्णों से बने हुए। कभी कभी क्या होता है कि ये अनेक वर्ण वर्ण से जो है अनेक वर्ण मिला के शब्द तो बन जाते हैं, लेकिन उसके कुछ अर्थ आ रहे हैं कि नहीं ये जरूरी नहीं होता है। जब सार्थक अर्थ निकलता है तभी जो है उसे हम शब्द मानते हैं। अब कलम को ही अगर उल्टा हम मलक लिख देंगे तो उसका अर्थ कुछ निकलेगा? नहीं निकलेगा। और कलम बोलते ही आपके सामने पेन की छवि आ जाती है, उसका अर्थ आ जाता है, पेन एक लिखने के काम आता है। तो जिस शब्द का कुछ अर्थ निकले, वर्णों में से शब्द तो बन जाते हैं लेकिन उस शब्द का अर्थ निकलना चाहिए। अगर अर्थ नहीं निकल रहा है तो उस शब्द का कोई मतलब नहीं होता है। ये हो गया शब्द। और शब्दों के भेद इसके बारे में जानिए। शब्दों के भेद किन किन के आधार पर हुए हैं? उत्पत्ति, रचना, प्रयोग और अर्थ की दृष्टि से शब्द के कई भेद। उत्पत्ति, रचना और प्रयोग, अर्थ की दृष्टि से शब्द के कई भेद। जैसे दिया हुआ है यहाँ पर उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द के भेद, किस प्रकार जो है कहाँ से शब्द आए हैं, किस स्रोत से आए हैं, किस कहाँ से भी उत्पत्ति हुई है, और रचना के आधार पर किस प्रकार शब्दों के जो है भेद हुए हैं, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर कैसे कैसे शब्द जो है हम बनाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, उनके बारे में है। चलिए अब पहला जो है स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इस आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। उत्पत्ति और स्रोत के आधार पर शब्द 4 हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द, तत्सम का अर्थ है उसके समान। तत्सम का अर्थ क्या होता है? उसके समान। यह दो शब्दों के मेल से बना है। तत्सम शब्द जो है कितने शब्दों के मेल से बना है? दो शब्दों के। कौन कौन से है? तत् अर्थात उसके, असम अर्थात समान, उसके समान। इसे आसान भाषा में आप समझ सकते हैं इस प्रकार, जो शब्द संस्कृत भाषा से हिंदी में बिना किसी परिवर्तन किए ले लिए गए होते हैं वे जो है
तत्सम शब्द कहलाते हैं। उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। संस्कृत के शब्द हैं और उनको हिंदी में भी हम प्रयुक्त करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वो क्या होता है? तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि संस्कृत का शब्द है लेकिन उसे हम हिंदी में भी लिखते बोलते हैं। क्षेत्र, वायु, रात्रि, सूर्य, ये सब तत्सम शब्द है, ये संस्कृत के शब्द हैं, इन्हें हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। तद्भव, तद्भव शब्द किसे कहते हैं? तद्भव जो शब्द रूप बदलने के बाद, तद्भव शब्द क्या है? जो जिस शब्द का रूप बदल जाए, रूप बदलने के बाद संस्कृत से हिंदी में आए हैं, वे तद्भव कहलाते हैं। संस्कृत के शब्द है लेकिन उसका रूप बदल करके हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, क्या है? तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आग, अग्नि से आग बना है, ये संस्कृत का शब्द अग्नि हो गया लेकिन हिंदी में जो है थोड़ा परिवर्तन हो गया, आग हो गया। खेत यानी क्षेत्र संस्कृत का शब्द है। रात्र, रात्रि, रात्रि शब्द संस्कृत तत्सम है और तद्भव क्या हो गया? रात हो गया। सूर्य तत्सम है, तद्भव सूरज। इसी प्रकार जो है आप जो है तद्भव शब्द जो है बनाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, ये तद्भव हो गया। देशज शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द क्षेत्रीय, जहाँ हम रहते हैं, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण या किसी परिस्थिति के कारण आवश्यकता अनुसार हिंदी में उन शब्दों को हम शामिल किए हैं, समय के साथ साथ वो हम शामिल करते गए हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, गाड़ी, थैला, पेट, लोटा आदि, ये सब क्या है? ये सब जो है देशज शब्द, ये क्षेत्रीय भाषाओं के शब्द हैं जो हम हिंदी में उनका प्रयोग करते हैं। विदेशी शब्द, हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द भी समय के साथ साथ हिंदी में, समय के साथ साथ अरबी, फारसी, अंग्रेजी, इनके भी कुछ कुछ शब्दों को जो है हम क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं, शामिल किए हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे फौज, सब्जी, मजदूर, टेलीफोन, ट्रेन, स्कूल, डॉक्टर, गेट, मिनट, डेस्क, कोर्ट, जज, कमरा, खंजर, साबुन आदि जो है, ये शब्द क्या है? ये विदेशी भाषाओं के शब्द हैं और इन्हें हम हिंदी में भी शामिल किए हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? विदेशी शब्द कहते हैं। अब जो है दूसरा, रचना के आधार पर शब्द के भेद, उसके बारे में जानेंगे। रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं? रचना के आधार पर शब्द के, रचना या बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कितने हैं? तीन हैं। कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक और योगरूढ़, तीन शब्द हैं। अब रूढ़ किसे कहते हैं? रूढ़ जो है उन्हें जो है किस प्रकार आप समझेंगे? जो शब्द रूढ़ जो है, जो शब्द बिना किसी परिवर्तन के, जिनका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता जिन शब्दों के, उन्हें हम रूढ़ शब्द कहते हैं। उनको अलग अलग करके आप उनका जो है कोई शब्द अर्थ नहीं बन निकाल सकते हैं, जो किन्हीं अन्य शब्दों से, जो रूढ़ शब्द क्या है, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से न बने, किसी अन्य शब्द का उसमें योग न हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हो, किसी का योग भी न हो और किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, तथा जिनके टुकड़े या खंड नहीं किए जा सकते हैं, वे रूढ़ कहलाते हैं। जैसे दूध, गाय, घर, सेना आदि जो है, इनको आप अलग नहीं कर सकते हैं, ये परंपरा के अनुसार अपने आप जो है परंपरा के अनुसार चले आ रहे हैं, इनको हम अलग नहीं कर सकते हैं, इनको जो है टुकड़ों में बांटेंगे तो कोई अर्थ जो है नहीं निकलेंगे। अब जो है यौगिक है, यौगिक का अर्थ क्या है? योग से बना हुआ शब्द, यौगिक का अर्थ है योग से बना हुआ शब्द। जो शब्द कई सार्थक शब्दों के मेल से बने होते हैं, यौगिक क्या है? कई सार्थक शब्दों के योग से बने होते हैं, वे यौगिक कहलाते हैं। जैसे दिवाली,
देवाली शब्द जो है देव प्लस आले से मिला है, देव देवता के घर के उसमें आपको समझ में आ गया। राजपुरुष राजा का पुरुष, ये जो है दो शब्दों के मिल से, दोनों शब्दों का अपना अपना अर्थ है, अगर इनको आप टुकड़ों में भी कर देंगे तो भी उनका सार्थक अर्थ निकलेगा, और जोड़ देंगे तो भी एक जो है अलग जो है विशेष अर्थ निकल जाता है। यौगिक में यही है, इनके टुकड़े आसानी से आप कर सकते हैं, यौगिक शब्द जो है इनके आप टुकड़े कर सकते हैं, लेकिन रूढ़ के आप टुकड़े नहीं कर सकते हैं। और ये यौगिक में जो है उपसर्ग और प्रत्यय समास लगा के भी जो है इनके द्वारा भी हम शब्द बनाते हैं और उनका प्रयोग करते हैं। आपके बुक में भी दिया हुआ है कुपुत्र है, पुत्र तो जो है एक शब्द है, लेकिन कु उसमें क्या लगा है, उपसर्ग लगा है, उसे बना के भी एक विशेष जो है शब्द बन गया। उसी प्रकार दिया हुआ सब्जी वाला, सब्जी एक शब्द है लेकिन उसमें प्रत्यय क्या है, वाला लग गया है। इस प्रकार जो है उपसर्ग प्रत्यय और समास लगा करके भी जो है यौगिक में आप शब्द बना सकते हैं। रूढ़, रूढ़ यह शब्द यौगिक होते हुए भी एक ही अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। यौगिक शब्द क्या है, ये शब्द जो है यौगिक होते हुए भी एक ही शब्द के लिए रूढ़ हो जाते हैं, जो एक अलग जो है अर्थ जो है प्रकट करते हैं। वे शब्द जो यौगिक तो है किंतु अलग जो है अर्थ प्रकट करते हैं, विशेष अर्थ जो है प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या करते हैं, योग रूढ़ करते हैं। जैसे पंकज, दशानन, जलज आदि, ये सब क्या है, योग रूढ़ शब्द है। जलज, ज इसमें योग ज ज है बना हुआ, जलज में जल के अंदर के बारे में आपको बताया जा रहा है। तो जल, जलज शब्द आते ही कलम कमल का फूल आपके सामने आ जाता है। जल, जल में तो और भी जो जीव जंतु बहुत सारे होते हैं, लेकिन सबके बारे में नहीं होता है, जलज कहते ही कमल का फूल जो है एक विशेष अर्थ लेकर के हमारे सामने आता है। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश के बारे में यहाँ बात हो रहा है, गणेश जी के बारे में बात हो रहा है। उदर औरों का भी लंबा हो सकता है, होता है, लेकिन उनके लिए नहीं प्रयुक्त होता, ये सिर्फ और सिर्फ गणेश के लिए ये शब्द क्या हो गया है, रूढ़ हो गया है, इसे एक जो है अलग शब्द विशेष अर्थ के लिए ये प्रयुक्त होता है, अलग अर्थ ही आपके सामने आ जाता है, वही आपका रूढ़ शब्द होता है, योग रूढ़ शब्द होता है। अब जो है प्रयोग और अर्थ के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।